तो गाइस, क्या कभी आपने अपने आप से सवाल पूछा है कि माइनक्राफ्ट में इतने सारे विलेजर्स हैं जिनका अलग अलग ऑक्यूपेशन है और वो अलग अलग चीज़ें ट्रेड करते हैं। फिर उसके बाद आता है वंडरिंग ट्रेडर, जो कि हमें बस फालतू चीज़ें बेचते हैं, वो भी हाई रेट में। तो आपने कभी सोचा है कि मोजैंग ने माइनक्राफ्ट के अंदर वंडरिंग ट्रेडर क्यों डाला? नहीं ना? तो गाइस, मैं भी मोजी, और गाइस आज मैं इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि सबके कोई ना कोई सीक्रेट्स होते हैं, वैसे ही हमारे वंडरिंग ट्रेडर के भी एक सीक्रेट है। वंडरिंग ट्रेडर बनने से पहले तो उसकी भी एक पास्ट लाइफ थी। वो पास्ट लाइफ में दरअसल एक नेटवेट विलेजर था। जिसे नहीं पता नेटवेट विलेजर क्या होता है, नेटवेट विलेजर वो विलेजर होता है जो कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं लेता और बिना काम करे विलेज में रहता है। उसको आप ग्रीन कोट वाले विलेजर के नाम से भी जानते होंगे। तो गाइस, अभी आप मुझसे पूछोगे कि नेटवेट विलेजर से वंडरिंग ट्रेडर में कैसे बना। तो गाइस, मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी समझाता हूँ। गाइस, स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि नेटवेट विलेजर को कोई ऑक्यूपेशन लेना अच्छा नहीं लगता और वो बिना काम के विलेज में रहता है। तो एक दिन की बात है, विलेजर ने उसको बहुत समझाया कि अगर तुमने कोई ऑक्यूपेशन नहीं लिया या फिर कुछ काम नहीं किया और विलेजर्स के पास चुराया अगली बार, तो हम तुम्हारे हाथ काट देंगे, विलेज से निकाल देंगे। तो गाइस, ठीक ऐसा ही हुआ। नेटवेट विलेजर एक दिन फार्मर के घर से वीट चुराता हुआ पकड़ा गया। दूसरे विलेजर उससे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने उसका हाथ काट लिया, क्योंकि उसने उसे हाथ से चोरी की थी और उसे विलेज से भी निकाल दिया। तो वो नेटवेट विलेजर रोते रोते घायल हालत में पूरे जंगल में घूम रहा था। घूमते हुए एक बीच ने देखा कि ये कौन घूम रहा है। तो जब जाकर उसने उसके पास से पूछा, उस नेटवेट विलेजर से, कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रोए हो, तुम इतने घायल हालत में क्यों हो? तो फिर नेटवेट विलेजर ने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। उसकी कहानी सुन के विज को अपनी कहानी याद आई कि कैसे उसने विलेजर की भलाई के लिए सोचा था, पर विलेजर्स ने उसे विलेज से बाहर निकाल दिया। तो गाइस, विज ने उसे अपने विज हट में बुलाया और उसे कुछ पोशंस ऑफ रीजनरेशन दिए, और उस रीजनरेशन की मदद से भी उसके जो कटे हुए हाथ थे वापस नहीं आए। तो विज ने उसके लिए एक नया कपड़ा डिज़ाइन किया जो कि अभी वंडरिंग ट्रेडर पहनता है, और विज ने साथ में उसे पोशंस ऑफ इनविजिबिलिटी दिए, क्योंकि अगर रात में कभी घूमे तो मॉब उसे देख ना पाए और वो मॉब से बच पाए। और उस विच के विच हट से चला गया। उसने सोचा कि कैसे उसके पास लाइफ में उसको तंग किया गया था, क्योंकि कुछ काम नहीं करता था और उसे सजा दी गई थी और उसके हाथ काट दिए थे। तो उस नेटवेट विलेजर ने सोचा कि मैं अपने आप को भी चेंज करता हूँ। तो वो गए नेटवेट विलेजर से वंडरिंग ट्रेडर बन गया। तो वो एक दिन ऐसे ही माउंटेन पर जा रहा था, तो उसे कुछ लामास दिखाई दिए। तो उसने सोचा कि लामास के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होती है और वो लामा के अंदर हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो उसने लामा की स्टोरेज फैसिलिटी को यूज़ किया और अपने लिए स्टोरेज बनाया। और गाइस, आसपास जितने भी वो रास्ते में आता था, उसको जो भी चीज़ काम की मिलती थी वो उठा लेता था, और वो उसको फर्दर बाद में बेचने के लिए उसको अपने पास जमा करने लगा। उसने सोचा कि आखिर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा ही जिससे वो उसको ट्रेड कर पाए। तो गाइस, वो विलेजर से ट्रेड नहीं करता था, क्योंकि वो जानता था कि विलेजर ने उसके साथ क्या क्या बुरे काम किए हैं, तो वो सारे बुरे काम उसको याद आते थे। तो गाइस, वो पूरे वर्ल्ड में घूमता गया, जब तक उसे पता नहीं चला कि माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक नया प्लेयर आया है जिसका नाम है स्टीव। स्टीव गाइस माइनक्राफ्ट में नया प्लेयर था, और वंडरिंग ट्रेडर ने सोचा कि वो अपना सामान जाके स्टीव को बेचे, तो क्या पता कभी उसको उसके सामान की ज़रूरत पड़े। इसलिए वंडरिंग ट्रेडर बस हमारे पास आता है और हमसे ट्रेड करता है, और किसी विलेजर के साथ कभी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि विलेजर ने उसके साथ बहुत ही बुरा हरकत की थी और उसे बहुत परेशान किया था। तो गाइस, ये थी वंडरिंग ट्रेडर की दुख भरी कहानी। अगर आपके वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।